अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव और आपके साथ मैं अपने गांव की एक चीज़ शेयर करूँगा और अपनी जर्नी भी शेयर करूँगा। चलिए आप मिलते हैं गाड़ी में। जी तो मेरा सफ़र हो गया है शुरू। तो आज के इस विलेज व्लॉग में आप बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जी तो अब मैं गांव के करीब पहुंच चुका हूं और मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूं। जब आप भी कभी गांव में जाते होंगे तो आपको भी बहुत फ्रेश फील होता होगा और यहाँ पर फ्रेश एयर भी होती है और फ्रेश एयर हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये रहा हमारे मामू का घर। तो फाइनली मैं गांव पहुंच चुका हूं, अंदर जाता हूं फिर बाद में व्लॉग शुरू कर। रात को तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सक रहा था, इसलिए ये नेक्स्ट मॉर्निंग के कुछ क्लिप्स हैं। आप हैंड फ्री लगा के इन्हें सुनिए एंड ट्रस्ट मी, आपको ये क्लिप्स बहुत अच्छी लगेंगी और ये साउंड बहुत प्यारी लगेंगी। मॉर्निंग सुबह यहाँ पर हो चुकी है और अब मैं आपको अपने मामू का गार्डन टूर और एनिमल्स का टूर कराऊंगा। इस गांव की ज़मीन ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी फल का पौधा लगाया जाए तो उस पर फल बहुत मीठे लगते हैं। और लाइन में माल्टे के पौधे हैं वहाँ तक, और सर्दियों तक उस पौधे पर माल्टे भर जाएंगे और बहुत मीठे माल्टे होंगे। चलिए अब मैं आपको अगले पौधे दिखाता हूँ। जी तो अब बात करते हैं इस अनार के पौधे की। इस पर भी बहुत छोटे छोटे अनार लगे हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक इस पर अनार पक जाएंगे और ये भी बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं क्योंकि गांव की ज़मीन ही बहुत अच्छी है। अब बारी आती है इस नींबू के पौधे की। इसके ऊपर नींबू तो नहीं लगे पर इसके छोटे छोटे फूल लग गए हैं। इंशाल्लाह कुछ महीनों तक इस पर नींबू भी लग जाएंगे। और वहाँ नींबू के साथ भी ये दो पौधे हैं, ये भी मालदों के हैं। चलिए अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जी तो अब बारी आई मेरे फेवरेट फल की, ये है अमरूद। और इस पर माशाल्लाह बहुत मीठे अमरूद लगते हैं और मैं भी यहाँ पर आके इसको उतारता हूँ और मज़े से खाता हूँ। और इसके साथ भी पीछे एक अमरूद का पौधा है और फिर आपको अब दिखाते हैं आगे वाले पौधे। जी तो दो पौधे अमरूद के इस तरफ भी लगे हैं और बाकी यहाँ पर भी नींबू के लगे हैं और आगे दूसरे छोटे छोटे दरख्त लगे हैं। अच्छा तो अब मैं आ गया हूँ आम के दरख्त के पास, जहाँ पर ये भी मामू के गार्डन में ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े हैं आम। कि आपको गार्डन टूर बहुत पसंद आया होगा, चलें तो अब मैं थोड़ा सा एनिमल टूर भी करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं मुर्गियों से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मुर्गियाँ हैं सारी और ये सब सील मुर्गियाँ हैं और ये है इनका पिंजरा के अंदर भी शायद मुर्गी हो। पिंजरे के अंदर जी पिंजरे के अंदर भी मुर्गी है, पिंजरे के अंदर मुर्गी है। और वो जो ब्लैक वाली है मुर्गी, इसके सर पर इन्होंने मुर्गियों ने मार मार के जख्म कर दिया। तो ये हैं मामू के कबूतर। कबूतर रखे हैं और
देखें यहाँ पर मुझे दरख्त पर क्या मिला, ये बुलबुल के बच्चे हैं और ये माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।